एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो वीडियो है फ्रेंड्स, किस तरीके से हम घर में आसानी के साथ मास्क को तैयार कर सके। तो जैसे कि मैंने ये मास्क घर में ही तैयार किया है और ये मैंने आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाया है, तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हम इन मास्क को घर में तैयार कर सकते हैं। कुछ भी इसमें मेहनत नहीं लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर ये मास्क तैयार भी हो जाते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो जिस तरीके से मैं आज आपको मास्क बनाना बताऊंगी वो बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ मैंने एक चौकोर पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। तो 11 इंच की इसकी लंबाई है और 11 इंच की इसकी चौड़ाई हमने ले ली है। बिल्कुल एक रुमाल के बराबर चौकोर पीस यहाँ ले लिया है मैंने। तो अब इसको हमने इस तरह से ट्राइंगल में फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर बीच में यहाँ आप इस तरह से हाथ रख लीजिए अपना और उसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो देखिए डबल हमने इसको फोल्ड किया है। एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से ये चौकोर रुमाल ले लिया है हमने। पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ सेंटर में अपनी उंगली इस तरह से रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये एक ट्राइंगल बन गया है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद भी यहाँ सेंटर से हम निशान लगाएंगे। इसे टेप को यहाँ रखेंगे बिल्कुल सेंटर में और यहाँ से हमने निशान लगाना है इस तरह से। तो 5.5 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लिया है इस पर, और जितनी इसका हमने लंबाई ली है 5.5 इंच की, उतना ही निशान हमने यहाँ भी लगाना है। ये देखिए इस तरह से, तो एक निशान हमने यहाँ लगा लिया है 5.5 इंच पर और इसी तरह से एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने 5.5 इंच यहाँ निशान लगाया क्योंकि इसकी इतनी लंबाई है 5.5 की, और 5.5 ही यहाँ पर, और इतना ही हमने यहाँ निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ निशान लगाएंगे 1 इंच पर इस तरह से, और फिर इसको बिल्कुल इसी के बराबर 1 इंच पे निशान हमें यहाँ लगाना है। और अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है, एक लाइन खींच लेनी है। ऐसे बहुत ज्यादा आसान है ये मास्क तैयार करना घर में। और जो ये देखिए खुली हुई हमारी साइड से यहाँ पर 1/2 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। यहाँ 1/2 इंच का निशान हमने लगाया इस तरह से, जो खुला हुआ हिस्सा है वहां लगाना है 1/2 इंच का हमने निशान। अब इसको गोलाई देना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी गोलाई देने के लिए। कोई भी आप इस तरह से प्लेट ले लीजिए, और ये जो हमने यहाँ निशान लगाए थे यहाँ पर 3 निशान, इन पर इस तरीके से रख दीजिए। पहले यहाँ से रखिए और इसे इस तरीके से गोलाई दे दीजिए यहाँ पर। देखिए कितने आसानी से हमने ये कर्व यहाँ पर दे दिया है। और अब इसी तरीके से इसे यहाँ से भी लाइए और यहाँ से भी इसी तरह से गोलाई दे दीजिए। तो कितना आसान हो जाता है गोलाई देना, जिन्हें बिल्कुल भी कटिंग नहीं आती है उनके लिए भी बहुत ज्यादा आसान है मास्क बनाना। और इसी तरह से जो हमने 1/2 इंच का यहाँ निशान लगाया था जो खुली हुई साइड से दोनों, यहाँ पे भी हमने हल्की सी गोलाई दे दी है। तो इसी प्लेट को आप इस तरीके से रखें, 1/2 इंच पर जो निशान लगाया था हमने, और इस तरह से यहाँ भी गोलाई दे दी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम गोलाई पर कटिंग करेंगे, यहां से रखेंगे और इस तरह से जो निशान हमने लगाया था बस उस पर ही हमने कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करते चले जाएंगे। तो यहाँ तो हमने इसकी गोलाई पर कटिंग कर दी है, अब हमने यहाँ जो निशान लगाया था 1 इंच पर इस पर कटिंग करनी है। तो ये तो बिल्कुल सीधी लाइन है, इसी तरह से कटिंग हो जाएगी इसकी। ये देखिए, अब ये जो 1/2 इंच का हमने यहाँ निशान लगाया है हम इस पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है हमें इस पर कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसे पकड़े आसानी से
और ऐसे गोलाई में हल्की सी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने मास्क की कटिंग कर ली है। अब इसे खोल के देखते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ये जो गोलाई है इस पर हमें टू पॉइंट्स पर सिलाई लगानी है। आप सिलाई चाहे तो आप सिलाई मशीन से लगा सकते हैं या जैसा आपको कंफर्टेबल हो, या हाथ से भी सुई धागे से सी सकते हैं। तो यहाँ हम निशान लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे इस तरह से। और इस पर सिलाई करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो सीधा हिस्सा है मास्क का वो अंदर की साइड होनी चाहिए दोनों, और उल्टी साइड इस तरह से होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ सिलाई लगा रहे हैं इस पर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है कर्व में इसके इस तरीके से। और अब हमें सिलाई कहाँ लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप हम इस मास्क को इस तरह से खोल देंगे। और खोलने के बाद में सबसे पहले काम क्या करना है हमने कि जो बीच की इसकी सिलाई हमने लगाई थी इसको इस तरह से खोलेंगे इस तरह से देखिए, और हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे हाथ से ताकि ये सेट हो जाए और ऐसे खुली रहे दोनों, इसके पार्ट अलग अलग हो जाए। इससे ऐसा करने से जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड को भी खोल देना है और ऐसे ही दबा देंगे। अब क्या करेंगे इसको इस तरह से आपस में मिलाएंगे सबको सबको बराबर में। और अब यहाँ पर ये दोनों साइड इसकी ऐसे ही खुली रहने देंगे हम, दोनों साइड ऐसे ही खुली रहेंगी इसकी आमने सामने की। और यहाँ हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ इस तरह से निशान लगा दें आप जैसे कि मैंने लगा रखा है ये, और इसी तरह से यहाँ भी निशान लगा देंगे हम। और अब दोनों तरफ यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दी है इस तरीके से। ये निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ये मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको साफ नजर आ जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अच्छे से सिलाई लगाई है इस पर, और ये दोनों साइड्स इसकी खुली हुई छोड़ दी है, यहाँ हमने सिलाई नहीं लगानी है। तो अब हमें करना क्या है कि इस मास्क को लेंगे जहां जहां हमने सिलाई लगाई है वहां थोड़े थोड़े से कट लगा देंगे इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इसको खोलेंगे मास्क को सीधा करेंगे तो सिलाई जो है वो एक तरह से बहुत ज्यादा झोल सा आ जाता है उस पर, वो नहीं आएगा और ये बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग मास्क में आ जाएगी और आसानी से ये सीधा हो जाएगा मास्क। तो इस तरह से हमने सब में जगह सिलाई में जहां जहां लगाई कट लगा देंगे। तो देखिए मैंने पूरे मास्क में जहां जहां हमने सिलाई की थी कट लगा दिए हैं थोड़ी थोड़ी जगह पर। इससे ये होगा कि ये सुखड़ेगा नहीं, और जैसे कपड़ा सुखड़ सा जाता है अजीब सा हो जाता है वो नहीं होगा, फिनिशिंग आ जाएगी इसे। तो अब इसे पलट देंगे सीधा कर लेंगे। तो ये मास्क घर में तैयार करना बहुत ही ज्यादा आसान है
और हम लेडीज को क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे मैचिंग मास्क मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। मेरे साथ तो भाई बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसी तरह से घर में तैयार कर लेती हूँ मास्क, तो अच्छा रहता है, सबके साथ सूट्स के साथ मैचिंग मास्क हो जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे खोल लिया है, देखिए अच्छे से खोलना है हमने। ये देखिए अब हमें करना क्या है कि यहाँ जहां जहां हमने सिलाई लगाई है अच्छे से उन पर इस तरीके से दबा दबा कर हम उस पर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से आयरन कर दिया है, सारी सिलाई इसकी अच्छे से दबा दी है और किनारों पे भी अच्छे से प्रेस लगाई है यहाँ पर ताकि ये दब जाए, और देखिए इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ गई है, ये देख सकते हैं आप। बस अब इसमें इलास्टिक हमें लगानी है, और वो कैसे लगानी है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने ये इलास्टिक ली है और उसको लगाने के लिए तो यहाँ हमें 7 इंच की इलास्टिक लेनी है, ये मीडियम साइज के मास्क में 7 इंच की इलास्टिक लेनी होती है। तो हम इस पर निशान लगा देंगे इस तरह से, देखिए ये 7 इंच की मैंने ले ली इलास्टिक यहाँ पर, देखिए, और इसे अब हम डबल कर लेंगे इस तरह से, डबल कर लिया है मैंने इसे, और अब यहां से कट कर लेंगे इसको, और अब इसी तरह से इसे बीच में से भी कट कर लेंगे ताकि दो बन जाए। तो 7 इंच की इलास्टिक आपको लेनी होगी, ये देखिए तो दो पीस हमने कर लिए हैं 7 इंच के। अब इन्हें मास्क में किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये खुला हुआ हिस्सा जो मास्क का है इसे आप लें और अंदर के साइड में थोड़ा सा फोल्ड कर लें इस तरह से, ऐसे आपने फोल्ड करना है। अंदर की तरफ दबा देना है इस कपड़े को हमें, तो इस तरह से हमने अंदर की साइड में इसको मास्क को फोल्ड कर दिया है, इसको कपड़े को दबा दिया है अंदर, और अब इसे आप हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करें इसको, तो ये सेट हो जाएगा, वहीं बार बार नहीं खुलेगा। तो ऐसे करके प्रेस करें इसे, तो ये देखिए ये सेट हो चुका है, इसे प्रेस करने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी कर लीजिए अंदर की तरफ फोल्ड, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ से इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है कपड़े को, और इस तरह से दबाने से आपको आयरन करने की भी जरूरत नहीं होगी, ये इसी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ मैंने ये जो इलास्टिक ली थी इस पे 1/2 इंच का निशान लगा दिया है दोनों तरफ, जैसे कि ये इलास्टिक हमने ली है, यहाँ मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/2 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें इसको 1/2 इंच दबाना है इलास्टिक को। तो अब ये इलास्टिक लेंगे हम और यहाँ इसे अंदर की तरफ डालेंगे 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच ही इधर से डालेंगे, इसे इस तरह से डाल देंगे अंदर और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से अब इस पर सिलाई लगाएंगे हम, और सिलाई को आप डबल लगाइएगा ताकि डबल सिलाई से इसमें मजबूती आ जाती है। और अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इलास्टिक लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ दोनों साइड्स में इसकी इलास्टिक लगा दी है इस तरीके से, और डबल सिलाई दोनों तरफ की है ताकि मजबूती आ जाए इसमें, और देखिए है ना कितना आसान है इस मास्क को बनाना। तो अब ये मास्क मैं आपको अपनी बेटी को लगाकर दिखाती हूँ। तो अलीजा ये मास्क लगा के दिखाइए। ओके अम्मा, ये
वाओ, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिटिंग इसकी आई है मास्क की। तो अलीजा कैसा लग रहा है आपको ये पहनने में भी? कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप घर में मास्क तैयार कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, घर में बहुत आसानी से ये तैयार भी हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।